एफआई फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम एक्सरसाइज 14.1 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी, वायर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। देखिए बेटा, आपकी बुक पर एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें दो प्लांट्स है जिनको सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस में उगाया गया है फॉर सम एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, बॉटनी के किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। और जो इसमें ग्राफ दिया है वो इस तरह है कि प्लांट ए एंड प्लांट बी वो स्टार्ट यहां से हो रहे हैं, फिर आफ्टर वन वीक इनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया गया है, फिर दो हफ्तों के बाद इनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया गया है, फिर इसी तरह तीसरे हफ्ते इनकी ग्रोथ ऑब्जर्व की गई और देखा यह गया कि आफ्टर वन वीक, आफ्टर टू वीक एंड थ्री वीक जो इनकी ग्रोथ है वो इस साइड में दी है वाई एक्सिस पर। सो दिस इज ग्रोथ इन सेंटीमीटर्स, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। सो दिस इज ग्रोथ इन सेंटीमीटर्स। तो बेटा देखिए, जो पहले हफ्ते में जो प्लांट ए है, देखिए प्लांट ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम नहीं बल्कि बुक में ही रिप्रेजेंट किया गया है, प्लांट ए को रिप्रेजेंट किया गया है डॉटेड लाइन से, और प्लांट बी को रिप्रेजेंट किया गया है बोल्ड लाइन से। तो पहले हफ्ते में जो इनकी ग्रोथ है दैट इज 2 सेंटीमीटर फॉर प्लांट बी एंड 1 सेंटीमीटर फॉर प्लांट ए। प्लांट ए के लिए ये ग्रोथ 1 सेंटीमीटर है और प्लांट बी के लिए ग्रोथ 2 सेंटीमीटर्स है। फिर दूसरे हफ्ते में इनकी ग्रोथ सेम है, 8 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। आप ग्राफ पर से अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट इज 7 सेंटीमीटर ग्रोथ इज फॉर प्लांट बोथ द प्लांट्स इन द सेकेंड वीक। तीसरे वीक में जो प्लांट बी है इसकी ग्रोथ हुई है अप टू 10 सेंटीमीटर और प्लांट ए की हुई है 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे ये जो ग्राफ्स है ये इस तरह है, स्टार्टिंग पॉइंट से पहले हम देंगे प्लांट बी को हमें ज्वाइन करना है बोर्ड लाइन से, और फिर इस तरह ही फॉर प्लांट बी, और प्लांट ए को हम ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन्स में। दूसरे हफ्ते दोनों की ग्रोथ सेम है और फिर तीसरे हफ्ते ये इस तरह है, ये हो गया प्लांट ए। तो ये प्लांट बी है जो बोल्ड लाइन्स में है और जो प्लांट ए है ये डॉटेड लाइन्स। तो ये आपकी बुक पर ग्राफ दिया है, अब इसी ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला क्वेश्चन इसमें है, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। तो बेटा हमें बताने कि प्लांट ए 2 वीक्स के बाद कितना हाई था, कितना ये इसकी ग्रोथ हुई थी, और प्लांट आफ्टर 3 वीक्स ये कितना हाई था। सो आफ्टर जो प्लांट ए है, प्लांट आफ्टर 2 वीक्स और आफ्टर 2 वीक्स प्लांट ए
वॉज हाउ हाई, देखिए टू वीक्स ये हो गया, तो यहां से हम ग्राफ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो डेफिनेटली वो यहां पर आएगा, सो इट इज 7 सेंटीमीटर. सो आफ्टर टू वीक्स प्लांट ए वॉज 7 सेंटीमीटर हाई. तो बेटा 2 वीक्स के बाद जो प्लांट ए है ये 7 सेंटीमीटर उग गया था, और फिर हमें बताना आफ्टर थ्री वीक्स. अब 3 वीक्स से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ये इनफैक्ट ये इस तरह है, इनफैक्ट ये है प्लांट बी. सो आफ्टर 3 वीक्स इट ग्रो टू 9 सेंटीमीटर. आफ्टर 3 वीक्स प्लांट ए वॉज, देखिए 9 सेंटीमीटर बनता है, 8, इस तरह ये ग्राफ है, क्योंकि आपकी बुक पर अच्छी तरह से ये बना हुआ है. यहां से ये 9 सेंटीमीटर है, वॉज 9 सेंटीमीटर हाई. सो आफ्टर 2 वीक्स प्लांट ए वॉज 7 सेंटीमीटर हाई, एंड आफ्टर 3 वीक्स इट वॉज 9 सेंटीमीटर हाई प्लांट ए. इसी तरह जो प्लांट बी है, दूसरा पार्ट है हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स एंड आफ्टर 3 वीक्स. तो ग्राफ को ऑब्जर्व करके आप बता सकते हैं कि आफ्टर 2 वीक्स द प्लांट बी वॉज सेम, जहां पर प्लांट ए है वहीं पर प्लांट बी है आफ्टर 2 वीक्स, दैट इज 7 सेंटीमीटर. तो जो प्लांट बी है आफ्टर 2 वीक्स इट वॉज 7 सेंटीमीटर, सेम यही लिखना है, आफ्टर 2 वीक्स प्लांट बी वॉज 7 सेंटीमीटर हाई. ठीक है, अब मैंने यहां पर मुख्तसर में लिख दिया. एंड आफ्टर 3 वीक्स, अब अगर आप प्लांट बी की बात करेंगे आफ्टर 3 वीक्स, सो इट इज ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर, इट इज 10 सेंटीमीटर. तो 3 वीक्स के बाद जो प्लांट बी है, प्लांट बी इज 10 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 3 वीक्स. 2 वीक्स के बाद ये भी 7 ही सेंटीमीटर है, और तीसरे वीक में ये, बल्कि तीसरे वीक के एंड पर ये 10 सेंटीमीटर हाई हो गया था. तो ग्राफ देखकर आप ये सारी चीजें खुद ब खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं. फिर इसमें तीसरा पार्ट है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक. तो तीसरे हफ्ते में ये जो प्लांट ए है ये कितना ग्रो हो गया. देखिए बेटा तीसरे हफ्ते में आप देखिए 2nd वीक में जो प्लांट ए की ये बात कर रहा है, प्लांट ए को अगर आप देखेंगे 2nd वीक में ये 7 सेंटीमीटर हो गया था, और 3rd वीक में कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 2nd वीक में ये 7 सेंटीमीटर था, 3rd वीक में 9 सेंटीमीटर हो गया, तो इस हफ्ते में कितनी ग्रोथ होगी. इस हफ्ते में जो ग्रोथ है ड्यूरिंग 3rd वीक, ये सी पार्ट है, ड्यूरिंग 3rd वीक प्लांट ए ग्रो बाय 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, दैट इज 2 सेंटीमीटर. तो तीसरे हफ्ते में इसकी 2 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई. अब आगे पार्ट से आपके लिए खुद है, आप इनको खुद ऑब्जर्व करिए. हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ 2nd वीक टू द एंड ऑफ 3rd वीक. देखिए प्लांट बी की अगर बात करेंगे एट द एंड ऑफ 2nd वीक इट वॉज 9 सेंटीमीटर, इट वॉज 9 सेंटीमीटर, एंड एट द एंड ऑफ 3rd वीक इट इज 10 सेंटीमीटर, है ना. तो बेटा फिर कितनी ग्रोथ होगी इसको, इट इज 10 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर. तो इसकी 3rd वीक में 1 ही सेंटीमीटर ग्रोथ होगी. तो ये सारी चीजें आप खुद ऑब्जर्व करके इनके आंसर दे सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम है नहीं, बहुत ही आसान. देन इज क्वेश्चन 4, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक. तो देखिए यहां पर एक और ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में फोरकास्टेड टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर उनका ग्राफ बना हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर आपको मालूम है फोरकास्ट किया जाता है पहले, और फिर एक्चुअल टेम्परेचर नोट किया जाता है. तो कभी कभार जो फोरकास्टेड टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम भी आ सकते हैं, लेकिन कभी इनमें डिफरेंस भी हो सकती है. तो बेटा ये हमारे यहां पर डेज ऑफ द वीक है, जिन डेज में ये प्रिडिक्ट किया गया या फिर नोट किया गया. तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे
मंडे ट्यूसडे हम इनको अल्फाबेट्स में लिखेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, दीज आर द डेज ऑफ द वीक। और उसके बाद जो टेम्परेचर है ये इसने लिया है मल्टीपल्स ऑफ 5 में, 5 डिग्री सेल्सियस, देन 10 डिग्री, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक इसने लिया है, 35 तक ही लिया है। तो जो फोरकास्ट टेम्परेचर है उसको डिनोट किया गया है डॉटेड लाइन से, दिस इज फोरकास्ट टेम्परेचर। और जो एक्चुअल टेम्परेचर है इसको डिनोट किया गया है बोल्ड लाइन से, ये एक्चुअल टेम्परेचर, दिस इज फोरकास्ट टेम्परेचर। एंड जो बोल्ड लाइन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्चुअल टेम्परेचर। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं जो मंडे को जो फोरकास्ट टेम्परेचर है दैट इज 15, ऑन मंडे द फोरकास्ट टेम्परेचर इज 15, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है एक्चुअल टेम्परेचर इज 19, इट इज 19। फिर ट्यूजडे को फोरकास्ट टेम्परेचर और जो एक्चुअल टेम्परेचर दे आर द सेम, हाउ मच इट इज, इट इज नियर अबाउट 20। तो यहीं पर एक्चुअल टेम्परेचर भी है और फोरकास्ट टेम्परेचर दे आर सेम। फिर वेनसडे को जो फोरकास्ट टेम्परेचर है इट इज इन बिटवीन 20 एंड 25, यहां पर है, लेकिन जो एक्चुअल टेम्परेचर है दैट इज 30। तो इनको मैं साथ साथ में बाद में इनको ज्वाइन कर देंगे। फिर है थर्सडे, थर्सडे को टेम्परेचर है जो फोरकास्ट टेम्परेचर, थर्सडे को जो फोरकास्ट टेम्परेचर है इट इज 25, लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर इससे कम है। फिर फ्राइडे को दोनों सेम है एंड दे आर फ्राइडे को ये टेम्परेचर्स है, ये थोड़ा यहां पर जम नहीं होगा, मैं इनको पहले जो बनाऊंगा जो एक्चुअल ग्राफ है आपकी बुक पर, मंडे को ये पहले हम फोरकास्ट टेम्परेचर बनाएंगे, 15 से स्टार्ट होता है मंडे को ये, फिर इस तरह है 20 पर, चूंकि हमने डॉटेड लाइंस में बना दी। फिर ये नीचे आ रहा है, फिर से ये फिर ऊपर जा रहा है, और फिर ये ऐसे, ठीक है। और जो बोल्ड लाइन है दैट इज एक्चुअल टेम्परेचर, वो यहां से स्टार्ट होता है, फिर यहां पर ये इस पॉइंट पर ये दोनों सेम है, फिर बेटा ये इस तरह उछाल लेता है यहां से और फिर नीचे आता है, फिर यहां ये इस तरह बना है और फिर इस तरह ही चला जा रहा है और फाइनली ये इसके साथ यहां मैच किया। ये ग्राफ है जो आपकी बुक पर है।
ये इस तरह का ग्राफ है जो आपकी बुक पर है। तो इसी ग्राफ को ऑब्जर्व करके अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। तो बेटा हमें बताने कि किस दिन फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम थे। देखिए आप ये अपनी बुक का ग्राफ देखिए, आप इस पर मत जाइए, जो आपकी बुक पर ग्राफ दिया हुआ है आप उस ग्राफ को ऑब्जर्व करिए और आप देखिए किन दिनों में जो डॉटेड लाइन और बोल्ड लाइन वो आपस में मीट होते हैं, किस पॉइंट पर वो मीट होते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि मंडे, ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, तो आप देखेंगे ट्यूजडे को, फ्राइडे को और संडे। आप अपनी बुक पर देखेंगे कि ट्यूजडे को देखिए, ये मंडे यहां से स्टार्ट होते, ट्यूजडे यहां पर पॉइंट है, तो यहां पर जो बोल्ड लाइन और डॉटेड लाइन दैट इज एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्ट टेम्परेचर, यहां पर ये मीट होते हैं, ये ट्यूजडे है और ये मीट होते हैं फ्राइडे, फ्राइडे को ये मीट होते हैं। आप अपनी जो बुक देख सकते हैं वहां पर फ्राइडे, ये यहां पर एक्चुअली यहां पर मैं एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बना पा रहा हूं ये, और फ्राइडे ये सेम है और संडे, और संडे को दोनों टेम्परेचर सेम। सो ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे फ्राइडे एंड संडे, एंड संडे द एक्चुअल टेम्परेचर एंड द फोरकास्ट टेम्परेचर दे आर द सेम। तो जहां पर ये बोल्ड लाइन और डॉटेड लाइन ये पॉइंट्स आपस में मिलेंगे वो ट्यूजडे फ्राइडे और सैटरडे। फिर दूसरा पार्ट है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। तो इस वीक में जो सबसे ज्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर वो कितना है वो आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां पर अपनी बुक पर जो ग्राफ है आप प्लीज वो देखिए, डोंट रेफर टू दिस, रेफर टू द बुक ऑन, रेफर टू द पेज ऑन योर बुक। तो वहां पर आप देखेंगे जो मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। सो मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर फॉर द वीक इज 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, तो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर आप देखेंगे दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। जो मिनिमम मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, ये भी आप अपने ग्राफ से देख सकते हैं, अपनी बुक को आप रेफर करेंगे। तो फिर इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। तो फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस किस दिन रही है, तो ये रही है थर्सडे, इनमें ज्यादा गैप उस दिन है, तो ये आप नोट करेंगे ये थर्सडे को है। आप अपनी बुक का ग्राफ देखेंगे, मैं बार बार यही कह रहा हूं, आप अपनी बुक का ग्राफ देखिए, वहां पर आपको एक्जैक्टली एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। इस ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्चुअल नहीं बन रहा है। फिर इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन इसे दे आर द सेम, एक ही पैटर्न पर है सारे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 5, यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ। देखिए यहां पर हमारे पास डेटा है, इस डेटा से हमें क्या बनाना है, लीनियर ग्राफ। आप इसके लिए ग्राफ पेज यूज कर सकते हैं, तो ग्राफ पेज में आप एग्जैक्टली ग्राफ बना पाए। द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स, ये हमारे पास इस तरह डेटा है, ईयर एंड डेज, एक पहाड़ी इलाका है वहां मुख्तलिफ ईयर्स में कितने दिनों तक बर्फ हुई। इन 2003 इट वॉज फॉर 8 डेज, 2004 में 10 दिन तक बर्फ हुई है, 2005 में 5 दिन तक बर्फ हुई, और फिर 2006 में 12 दिन बर्फ। इसका हमें ग्राफ बना, तो यहां से हम लेंगे ईयर और यहां से लेंगे
number of days or days for which it snowed. ठीक है, तो देखिए ये इस तरह लिखेंगे 2003, then 2004, 2005 and 2006. लेकिन आपको याद रखना है जो गैप बिटवीन द ईयर्स से सेम होनी चाहिए. और फिर दूसरे साइड से हम लेंगे वीक, जो नंबर ऑफ डेज है इसको हम लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. अब इधर देखिए 2003 में बर्फ हुई है 8 दिनों के लिए, तो 2003 के सामने आप कहां जाएंगे, 8 तक जाएंगे. फिर 2004 में 10 दिनों तक बर्फ हुई, तो यहां जाएंगे हम. 2005 में 5 दिन तक बर्फ हुई, ये हो गया 2005. 5 आएगा 4 और 6 के दरमियान, ठीक है. और फिर 2006 में 12 दिनों तक बर्फ हुई, तो इसको आप ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल आसान है. इस तरह फिर इसको नीचे डाउन कर दीजिए, ये बनेगा इस इंफॉर्मेशन का ग्राफ.